गुड इवनिंग एवरीवन स्वागत है आप सभी का अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम और मैं रक्षविंदर सिंह आज आपके सामने लेके आई हूँ मेन्स लेवल के कुछ क्वेश्चन so, जल्दी से क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ और जल्दी से लाइव आना स्टार्ट हो जाइए बिकॉज क्लास हो चुकी है लाइव है ना हेलो प्रहलाद कैसे हैं बेटा चलिए सो so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे एकदमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे so, मेरे जितने भी अपकमिंग सेशंस होंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपको हो जाएगा मिलना स्टार्ट एंड सारे के सारे सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं इंपॉर्टेंट ओके सो जल्दी से पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए आई एम ऑडिबल ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर येस नो स और नो ऑडियो वीडियो बोथा क्लियर हैलो अभिज्ञान चलिए आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं मेन्स लेवल के कुछ क्वेश्चन ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को सो so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा एंड अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे जितने भी अपकमिंग सेशनस होंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड बहुत सारे बैचेज़ हैं जो ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुके हैं सिक्सटीन ऑफ जून से तो अगर अभी तक आप लोग इनरोल्ड नहीं हुए हैं प्लस में तो इनरोल्ड होना स्टार्ट कर दीजिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस हाइक होने वाले हैं so सो जल्दी से प्लस में इनरोल्ड हो जाइए बिकॉज प्राइस हाइक हो जाएंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि ज़्यादा प्राइस हो गए सो so जल्दी से इनरोल्ड हो जाइए एंड बहुत सारे बैचेज़ हैं जो ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है एंड मेरा जो प्लस पे बैच आने वाला है मेरा जो प्लस पे कोर्स आने वाला है वो आने वाला है आपका ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून से टाइमिंग मॉर्निंग में एट ए एम पे होगी तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं अभी से ठीक है चले सो so, बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं ये दिखा दे रही हूँ आपको सारे बैचेस ध्यान से देख लीजिएगा गुरुकुल बैच है एकलव्य बैच है समंत बैच है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस हाइक होने वाला है सो so जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो बैंक एस एस सेट एग्जाम की प्रिपेशन है बैंक एस और रेलवे की कॉमन प्रिपेशन है वहाँ पर ट्वेंटी ऑफ प्लस सिक्स एडिशनल मंथ्स एप्सलूटली फ्री मिलने वाले हैं देखिए नॉर्मली अभी तक अगर आप ज्वाइन कर रहे थे तो वन ईयर के लिए टेन थाउजेंड टू हंड्रेड पे करना था बट ये जो न्यू प्राइस है उस पर सेवन ट्रिपल नाइन आपको पे करना होगा ओके okay. एंड इसके लिए जो कोड यूज करना है दैट इज आर ए के एस एच वन जीरो दिस इज माई रिफिल कोड आप इसको यूज कर सकते हैं सो प्राइज हाइक होने वाले हैं जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए प्लस में ठीक है प्लस में इनरोल्ड होना स्टार्ट कर दीजिए एंड अनकेडमिक <coughs> Combat कौन नहीं देता है अगर आप लोग नहीं देते हो तो देना स्टार्ट करिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अनएकेडमिक कॉम्बेट है क्या तो पहले मैं आपको ये बता दूँ अनएकेडमिक कॉम्बेट इज India's बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है यहाँ पे 36 सिक्स क्वेश्चन होंगे 50 मिनट की टाइम होगी और आप लोग तो 36 सिक्स मिनट में 36 सिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो 50 मिनट की टाइम में थर्टी सिक्स क्वेश्चन करने हैं टाइमिंग इज मॉर्निंग टेनए में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड जो फर्स्ट रैंक होल्डर है उसको मिलने वाला है एप्पल का आई पैड मिनी एंड सेकेंड प्राइज़ है एयरपोर्ट्स एंड थर्ड प्राइज है जे बी एल स्पीकर एंड इसके लिए जो कोड यूज करना है दैट इज़ आर ए के एस एच वन ज़ीरो इन्वाइट कोड है आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ठीक है सो so, जल्दी से एन अकेडमी कॉम्बेट देना स्टार्ट करिए एंड uh, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है तो प्राइस हाइक होने वाले हैं जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दिस इज़ माई रिफिल कोड आप इसको यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए आप नॉर्मली वन मंथ के लिए ज्वाइन करेंगे आपको थर्टीन हंड्रेड पढ़ने वाला है ठीक है अगर आप बैंक की प्रपेशन कर रहे हैं एस रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की प्रपेशन कर रहे हैं सो प्लस में इन होना स्टार्ट हो जाइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अगर आप न्यू एस्परेंट्स हैं है ना आपको प्री का पढ़ना है मेंस का पढ़ना है आपको एक साथ सारी प्रिपरेशन सिर्फ प्लस में ही मिल सकती है तो प्लस में इनरोल्ड हो जाइए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है कि एस का एग्जाम जुलाई में होगा आर के फॉर्म्स आ चुके हैं पीओ क्लर्क एस बी आई पी ओ आएगा दिनार बी आएगा आई बी पी एस पी ओ क्लर्क आएगा तो एग्ज़ाम क्या है लाइन से है है ना एग्ज़ाम लाइन से होना स्टार्ट है तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए एंड अगर आप देखो अगर आप न्यू एक्सपेरियंट्स हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ट्वेंटी फोर मंथ से ट्वेल्व मंथ के लिए ज्वाइन करिए इसमें आपका ही प्रॉफिट है कैसे प्रॉफिट है ध्यान से सुनिएगा अगर आप ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए आप ज्वाइन करते हो तो आपको पर मंथ थ्री हंड्रेड से भी कम रेट में बढ़ने वाला है मतलब पर डे टेन रुपीज़ अभी पर डे टेन रुपीस देखोगे तो ये तो बहुत ज्यादा कम है इसलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए चलिए सो स्टार्ट किया जाए सेशन रेडी हैं आप सभी लोग जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग रेडी हैं येस और नो जल्दी से कमेंट करिए देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की स्टार्टिंग सो so, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना स्टार्ट करिए रेडी हैं आप सब लोग यस और नो यस ओके परफेक्ट चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन और ये है फर्स्ट क्वेश्चन सिलॉग का सो so, ये से थोड़ा सा डिफरेंट है कल मैंने ये सिलॉग का क्वेश्चन आप लोगों को कराया था तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा कल मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था तो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए उसके बाद में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाते हैं स्टेटमेंट है कंक्लूजन है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं so, सो ये आपका क्वेश्चन मेन्स लेवल का है ध्यान से करिएगा ठीक है जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए स्पीड के साथ आ रहे समझ में क्वेश्चन समझ में आ रहा है जल्दी से बताइए अभिज्ञान मेगा सोहानी जल्दी से बताओ बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है अर्जित यस मैम ओके आ, वेरी गुड इवनिंग तोफिक जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में आ रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है जिसको नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है टेंशन मत लीजिए मेंस लेवल का क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा देखो नॉर्मली आप क्या करते हो सिलॉक के क्वेश्चन में बस मुझे इतना बताओ नॉर्मल जो सिलॉक का क्वेश्चन आता है उसमें आप क्या करते हैं स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हो और कंक्लूजन को देखते हो कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है बस वही चीज है थोड़ा सा घुमा के कर दिया है घुमा के इन द सेंस ये पीओ क्यू लिख दिया है ये एक्स y और जेड लिख दिया अब इसका मीनिंग क्या है सो so, आप पहले तो इन तीन का डायग्राम बनाओगे ये आपके स्टेटमेंट है रुको मैं कलर चेंज कर लू ठीक सो so, पहले तो आप ये तीन स्टेटमेंट इनका डायग्राम बनाएंगे बच्चा आपका पीओ क्यू पी ओ क्यू क्या है सो ये पी का स्टेटमेंट ये दिया है क्यू का स्टेटमेंट ये दिया है और एक्स वाई जेड कंक्लूजन है ये एक कंक्लूजन दिया है बाकी के जो कंक्लूजन है वो एक्स वाई जेड करके ऑप्शन में दिए हैं सो आपको क्या करा उसने स्टेटमेंट के कुछ पार्ट दे दिया बाकी ऑप्शन में दे दिया कंक्लूजन का कुछ पार्ट दे दिया बाकी ऑप्शन में दे दिया यश प्रहलाद एक्चुअली मेरी दूसरी क्लास चल रही थी तो वहां पे एंड करते करते थोड़ा सा डिले हो गया ठीक है वहां पे एंड करते करते थोड़ा सा डिले हो गया ठीक है चलिए समझ में आ गया तो so आपके सामने ये फाइव ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉस चेक करना है पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया आपको अभी नहीं पता कि ई e में से कौन सा ऑप्शन होगा ठीक है ई में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको कंफर्म नहीं है तो आपको करना पड़ेगा क्रॉस चेक So, मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूं प्लीज ध्यान से देखिएगा कहीं पे लग रहा है कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे फिर से बताऊं ओके 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 नो इश्यू फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चले देखिए क्या है आप नॉर्मली जब सिलॉग का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या करते हो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा नॉर्मल जब आप सिलॉग का क्वेश्चन करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं आप स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं और कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है अब यहाँ पे तीन स्टेटमेंट तो दिए हैं बाकी के स्टेटमेंट की जगह पी ओ क्यू लिखा हुआ है तो पहले आप ये तीन स्टेटमेंट का डायग्राम बनाओगे उसके बाद ये जो आपका ऑप्शन है आप उस पर जाओगे तो पी का स्टेटमेंट ये है क्यू का स्टेटमेंट ये है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्टेटमेंट मिले इनका आपको डायग्राम बनाना है उसके बाद ये एक पहला कंक्लूजन ये हो गया बाकी के जो तीन कंक्लूजन है वो एक्स वाई जेड है तो बाकी के जो कंक्लूजन है एक्स वाई और जेड तो आपको क्या करना है छः का स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है और देखना है कि सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो करें समझ में आया तो ये ऑप्शंस में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टेटमेंट से सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहा है इज इट क्लियर अभी समझ में आया ये क्वेश्चन येस और नो जल्दी से बताइए स्पीड से बताइए अभी क्लियर हुआ ना कैसे करना है ये क्वेश्चन चलिए अभी मैं एक्सप्लेन करती हूं ध्यान से समझिएगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सम टू इज आर जू तो जू नो कू आर पू पता नहीं कहाँ है नो हु इज टू तो नो हु नेक्स्ट सम हु आर जू तो सम जू और नो को इस पूर टू आर डू तो और टू आर डू ये बन गया आपका डायग्राम ठीक है यस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा मेंस लेवल है तो डेफिनेटली कंफ्यूजिंग होगा ना एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चन तो नहीं देने वाला है चलिए ये बन गया अब हम देखेंगे एक्स वाई जेड और पहला वाला स्टेटमेंट तो पहला वाला स्टेटमेंट देखिए सम डू आर जू तो सम डू आर जू फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका हो गया एलिमिनेट फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया अभी आप बनाओ सेकंड का डायग्राम तो सेकंड इज ऑल टू आर कू ऑल टू आर कू नेक्स्ट सम जू आर डू पता नहीं कहा है अच्छा क्यू है हाँ ठीक है सम टू आर जू समूर जू आर डू नाम भी अजीब है ना इसलिए थोड़ा सा अजीब और लग रहा होगा नो कूज फू एंड नो हू इज टू नो हू इज टू ठीक है अभी आपको x, y और z चेक करना है ऑल कू कैन नेवर बी एच ओ ऑल कू कैन नेवर बी एच ओ फर्स्ट फॉलो कर रहा है नेक्स्ट सम टू आर नॉट पू तो सम टू आर नॉट पू हा क्योंकि को का टू के साथ नो का रिलेशन है ठीक है भावेश यस yes, भावेश आप कल नहीं आए थे कल से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेंस लेवल का क्वेश्चन है सम टू आर नॉट पूर नॉट पू करेक्ट है थर्ड इज ऑल डू कैन बी हु मतलब ऑल डू सो ऑल डू कैन बी हु बिल्कुल हो सकता है सो so सेकेंड वाला तो आपका फॉलो कर रहा है समझ में आया पहले तो मुझे ये बताओ सेकेंड करेक्ट है फर्स्ट रॉन्ग हो गया सेकेंड फॉलो कर रहा है इज इट क्लियर हेलो सैम जैसे क्वेश्चन आप लोगों ने कल डिस्कस किए थे ना उसी टाइप के क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग एक बार ट्राई करिए आई होप सो so, आपको कल समझ में आया हो। तो इसमें सेकेंड फॉलो कर रहे हैं अभी मैं थर्ड और फोर्थ भी चेक करूं क्योंकि एक ऑप्शन ये है मोर देन वन ऑप्शन इज टू ठीक है चले थर्ड वाला चेक करते हैं ऑल टी ओ ऑल टू आर टू आर जू एंड ऑल हु आर को ऑल हु आर को नो रिलेशन एंड नो हु इज टू नो एच डबल हो इज टू ऑल हु आर को एंड नो कोज ठीक है देखो फर्स्ट सम डू आर जू सो समू आर जू नो रिलेशन तो ये तो क्रॉस चेक करना ही नहीं था कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो आपका फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो गया ऑप्शन डी ऑल डू आर जू नेक्स्ट नेक्स्ट इज नो सम टू आर टू नेक्स्ट सम आर डू इसको ऐसे बनाते रुको All do are to Some to are zoo. Hana? all uh, some poo are do. Some poo are do. Next, no co is no etch towalo is to Two yera etch towalo. ठीक है, स्टेटमेंट स्ट्रेटमेंट डू आर जू तो सम डू आर जू नो रिलेशन सो सिर्फ आपका ऑप्शन बी फॉलो करेगा डन ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा करेक्ट इज इट क्लियर सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट वन समझ में आया पहले तो ये बताइए ये क्लियर हुआ यस और नो क्लियर क्लियर ओके जल्दी से कमेंट करिए सबका क्लियर हो गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ओके परफेक्ट चलिए सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आप में से कितने लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है करेक्ट सो so, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए ध्यान से सॉल्व स्पीड के साथ ध्यान से सॉल्व करिएगा और देखना ये है कि आप में से कितने लोगों का करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन ठीक है ध्यान से करिएगा जल्दी से सैम आपको बताना है कल आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया था तो जल्दी से मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है इजी क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व करिए स्पीड के साथ मैम एज आई वॉज नॉट देयर स्टडी सो आई एम अनेबल टू गेट वॉट एग्जैक्टली डू इन दिस बिल्कुल भी इजी नहीं है ओके okay, प्रहलाद कोई बात नहीं भावेश मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ध्यान से समझिएगा ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ट्राई करिए समझने का नहीं आ रहा है तो, तो बताइएगा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी नॉर्मल सलॉन्ग में हम क्या करते हैं ठीक है नॉर्मल सलॉन्ग में हम क्या करते हैं नॉर्मल सलॉन्ग में हम लोग स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं और कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा फॉलो है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है सो so, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट सिक्स होने चाहिए सॉरी uh, फाइव होने चाहिए बट उसने क्या किया है तीन स्टेटमेंट तो दे दिए बाकी के दो स्टेटमेंट की जगह लिख दिया पी ओ क्यू है ना बाकी के दो स्टेटमेंट की जगह पी ओ क्यू लिख दिया तो फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाओगे ठीक है अब फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाओगे तो तीन ये तीन स्टेटमेंट का तो आप डायग्राम बनाओगे बाकी ये जो पी और क्यू का स्टेटमेंट है इसका यहाँ से डायग्राम बनाओगे करेक्ट उसके बाद पहला कंक्लूजन आपका ये है और बाकी के एक्स वाई और जेड तीन कंक्लूजन ये हैं सो तो आप वन टू थ्री फोर फाइव मिला के डायग्राम बनाओगे और बाकी के कंक्लूजन देखोगे कि कौन से स्टेटमेंट से सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं समझ में आया तो नॉर्मल क्या करा है जो नॉर्मल स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन होते हैं उनको अलग अलग कर दिया है तो आपको ये पांच ऑप्शन में से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टेटमेंट से कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं आई थिंक क्लियर हुआ होगा येस नो जल्दी से मुझे बताइए क्लियर हुआ जल्दी से कमेंट करिए येस नो क्लियर हो गया देखो मेंस लेवल है थोड़ा सा न्यू पैटर्न है यस मैम ओके हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है टाइम कंज्यूमिंग तो है बट ट्राई करिए क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आई थिंक आप लोगों ने स्लॉग के के क्वेश्चन नहीं देखे हैं है ना ध्यान से करिएगा ठीक है लेवल uh, में ऑप्शन एलिमेंट बेस्ट है अगर uh, हो पाए तो ओनली पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट से बट यहाँ पे सत्या मेन क्या है ना बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं दिए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप कर पाओगे है ना जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपका नेगेटिव स्टेटमेंट भी है पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है तो आप कंफर्म नहीं कर सकते और यहां पे ऐसा कोई आ, सिर्फ आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो सारे के पॉजिटिव पौ, नेगेटिव हो है ना तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकन होगा एक मैं बताऊं आया किसी का नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एटलीस्ट एक बार ट्राई करो ठीक है एटलीस्ट एक बार ट्राई करो देखो मेन क्या रहता है आप सभी लोग जानते हो कि मेन्स एग्जाम की कट ऑफ कितनी कम जाती है पता है ना और खासकर अगर हम बात करें एस बी आई पी ओ की तो एग्जाम में मेन्स एग्जाम में बस ये बोलता है कि बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लो है ना क्वेश्चन सॉल्व करो सारे क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो जो हो रहा है उनको सॉल्व करके दिखा दो बस कट ऑफ क्लियर कर लो और स्कोर आपको पता है आपको स्कोर मेंस में किससे करना है करंट अफेयर जीए से तो जीए पढ़ना स्टार्ट करिए मैथ्स और रीजनिंग में ट्राई करिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपका लॉजिक लग जाए क्या बोल रहे हो ऑल सिल्वर कैन बी ग्लास तो नहीं होगा सॉल्वर अरे वो सिल्वर है बेटा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है प्लाट सिल्वर है सिल्वर है टाइपिंग मिस्टेक है सॉल्वर तो है ही नहीं ना सिल्वर है बेटा फर्स्ट ऑलो सिल्वर है ये है ना सॉल्वर नहीं है टाइपिंग मिस्टेक है ओके okay? ये तो क्या क्या ये प्रत्युष क्या बना है बेटा फर्स्ट नॉट फॉलो ओके देखो मैं बता रही हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को तो ध्यान से देखेगा ठीक है पहले तो तीन स्टेटमेंट के डायग्राम बनाओ नो गोल्ड इज मेटल ऑल मेटल आर सिल्वर सम गोल्ड अ ग्लास इसको गोल्ड लिख दे रहे हो कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक तीन स्टेटमेंट बना लिए फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट ये रहा सम मेटल आ बुड तो सम मेटल आ बुड नेक्स्ट ऑल वुड बुडा स्टील और वुड बुडा स्टील ये डायग्राम बनाएंगे आप ठीक है आगे पढ़िए आगे लिखा हुआ है पहला कंक्लूजन सम स्टीला सिल्वर तो सम स्टील सिल्वर फॉलो कर रहे हैं ऑल ग्लास कैन नेवर बी मेटल तो सारे के सारे ग्लास कभी मेटल नहीं हो सकते करेक्ट है ना गिलास का जो पोर्शन गोल्ड में होगा वो कभी मेटल नहीं होगा ठीक है ऑल सिल्वर कैन बी ग्लास तो ऑल सिल्वर कैन बी ग्लास बिल्कुल हो सकता है भावेश ध्यान से देखो बेटा मैं कलर चेंज करके एक्सप्लेन करती हूँ देखिए ध्यान से ये जो सिल्वर है ये पूरा का पूरा सिल्वर इस ग्लास के अंदर तो जा सकता है ना सिर्फ गोल्ड के अंदर नहीं जा सकता और यहाँ पे लिखा है ऑल सिल्वर कैन बी ग्लास तो हो सकता है तो फर्स्ट तो करेक्ट है ना ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर क्लियर हुआ प्रहलाद फर्स्ट फॉलो करेगा बेटा भावेशन प्रहलाद क्लियर हुआ जल्दी से बताओ आपसे ये बोला है ना कि ऑल सिल्वर कैन बी ग्लास तो आपको पता है कि सिल्वर ये जो सिल्वर का सर्किल है ये पूरा का पूरा ग्लास में आ सकता है ना गोल्ड से नो का रिलेशन है इज इट क्लियर यस और नो जल्दी से कमेंट करिए क्लियर हुआ आप लोगों का राइट मैम यस सत्या सैम क्लियर हुआ बेटा जल्दी से कमेंट करिए सारे लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ ऑल क्लियर यस और नो यस ओके परफेक्ट सबका क्लियर है किसी का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन डन एटलीस्ट सारे लोग कमेंट तो कर दो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर पाऊंगी ना अदरवाइज कैसे पता चलेगा हाउ मैम रुको प्रहलाद ध्यान से सुनो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, भावेश अरे गोल्ड समझ बैठे आज समझे चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती ओके <laughs> <Okay>, भावेश हर <laughs> चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती ओके okay, ओके okay, सत्या चलो मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ पहले तो आप इन तीन स्टेटमेंट का डायग्राम बनाओ ठीक है सो नो गोल्ड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कभी भी सलॉ के क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर शॉर्ट में आप लिखते हो तो ध्यान रखो कि सेम लेटर वाले ना हो क्योंकि आप लोग क्या गलती करते हैं हम लोगों की हैबिट पड़ जाती है ना शॉर्ट में लिखने की ऑल जी आर बी है ना तो उससे क्या होता है अगर दो सेम लेटर वाले आ गए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे गोल्ड की बात कर रहा था या ग्लास की बात कर रहा था और यही कंफ्यूजन हुआ है मे बी शायद आप लोगों को तो नो गोल्ड इज मेटल ठीक ऑल मेटल आर सिल्वर सम गोल्डा ग्लास तो सम गोल्डा ग्लास ये डायग्राम बना बाकी के दो स्टेटमेंट पी ए है और क्यू ये है ये जो पी और क्यू लिखे हैं ना वो स्टेटमेंट आपके ये हैं है. मैम ग्लास का कुछ पार्ट कुछ बेटा ग्लास का पार्ट होगा ना सिल्वर का तो कोई रिलेशन नहीं है ना सिल्वर तो पूरा पूरा उठ के ग्लास में आ सकता है बट अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होता हाँ हंड्रेड फिफ्टी वाला मैथड होता है सत्या बट वो मैथड हमेशा सही नहीं होता वहां पर कुछ कंडीशन होती है जहां पे वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं ठीक है गलत होने का चांसेस हो जाता है सलॉग so, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं 150 फिफ्टी मैथड है वेन डाइग्राम है आप ओरली कर सकते हो बहुत सारे मेथड होते हैं बट बेस्ट आपका ये है डायग्राम बना के और इसको भी ना बनाओ ओरली सॉल्व करो बेस्ट ये प्री लेवल के लिए देखिए दो स्टेटमेंट बचे सम मेटल आर वुड तो सम मेटल आर वुड एंड ऑल वुड आर स्टील तो ऑल वुड आर स्टील ठीक है फर्स्ट कंक्लूजन सम स्टील आर सिल्वर तो आपको बताए कि स्टील का ये वाला पोर्शन क्या है कलर चेंज करो स्टील का ये वाला पोर्शन क्या है सिल्वर है तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है नेक्स्ट uh, एक सेकेंड ऑल ग्लास कैन नेवर बी मेटल ये ना फर्स्ट ऑल ग्लास कैन ने ग्लास का पूरा का पूरा, पूरा पोर्शन नहीं हो सकता ये वाला पोर्शन जो है वो गोल्ड नहीं होगा थर्ड इज ऑल सिल्वर कैन बी ग्लास तो सारा का सारा सिल्वर ग्लास हो सकता है बट ग्लास सिल्वर नहीं हो सकता इज इट क्लियर प्लास समझ में आ गया डन चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा ना बेटा मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करके बता रही हूं देखो सम आर बी ठीक है नो बी इज नो ए सी और ऑल सी आर डी ठीक है ये आपका डायग्राम है अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं ऑल डी कैन बी बी बिल्कुल हो सकता है ना क्योंकि डी का यहां पे तो आ सकता है ना डी बट अगर यहाँ पे बोला जाए कि ऑल बी कैन बी डी तो वो गलत हो जाएगा ऑल बी कैन बी सी नहीं हो सकता क्लियर समझ में आया तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इसका लॉजिक देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता चलता है है सो तो सारे सारे के मेंस लेवल क्वेश्चन स्पीच सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए सबका क्लियर हो गया यस और नो जल्दी से मुझे कमेंट करिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का लॉजिक लगाना स्टार्ट करिए मेन्स लेवल के क्वेश्चन है तो आप लोग भी ट्राई करिए कि आपसे सॉल्व हो जाए तो ध्यान से और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट ओके okay. देखते हैं किससे होगा सॉल्व ये क्वेश्चन ध्यान से करिएगा अच्छा क्वेश्चन है ठीक है मेंस लेवल के ही क्वेश्चन है सारे के सारे तो मैं आपको मेंस लेवल वाली सीरीज यहाँ पे करा रही हूँ तो क्लासेस प्लीज मिस मत करो क्योंकि अगर आपको बैंकर बनना है तो ठीक है प्री की क्लासेस हमेशा हमेशा प्री के क्वेश्चन करते रहते हो ये चीज़ मैंने देखी है पता है क्या क्या प्रॉब्लम रहती है आप लोगों के साथ अभी प्री लेवल का क्वेश्चन लाऊंगी ना सब आंसर करोगे सब कमेंट करोगे और वही अगर मीन्स लेवल का क्वेश्चन है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है तो बेटा बैंकर बनना है ना तो प्री तो करना ही करना है और मीन्स भी करना है ओके सो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और साथ में कमेंट भी करते रहिए स्पीच से जल्दी जल्दी से करिएगा स्पीड के साथ सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को क्लियर हो रहा है ना ध्यान से पहले नंबर का लॉजिक देखो नंबर सिंबल लेटर्स ध्यान से देखिएगा कुछ ना कुछ तो हो रहा है और यहाँ पे मैं बता दू कल मैंने याद है कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें दो लॉजिक लग रहे थे एक ही क्वेश्चन में दो लॉजिक लग रहे थे सो so, सेम आज के क्वेश्चन में भी एक ही क्वेश्चन है बस दो लॉजिक लगेंगे ध्यान से करिएगा ध्यान से करिएगा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये स्पीच से सॉल्व करिएगा नाइन एट वन सिक्स थ्री कुछ भी कॉमन नहीं है कुछ भी कॉमन नहीं है सो तो ध्यान से सॉल्व करिए और देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं सॉल्व ठीक है सो तो जल्दी जल्दी से स्पीड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए एंड ध्यान से करिएगा गलत नहीं करना है देखते हैं कुछ भी सॉल्व होता है आपसे इसका लेटर दोनों नंबर या एक्सप्लूज एक, 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 कुछ भी साइड हो जा आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरा प्रॉपर जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए स्पीड के साथ मेंस एग्जाम में यही होता है लॉजिक आपको पता होना चाहिए और देखते हैं आप में से कितने लोगों का लॉजिक आप आता है इस क्वेश्चन के लिए सो so, जल्दी से अपना लॉजिक लगाइए और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्पीड के साथ कुछ भी आ रहे है येस और नो जल्दी से कमेंट करिए अभी तक किसी का नहीं आया बाबे सत्या पहलाद तौफिक शाम आ रहे हैं इस क्वेश्चन में कुछ भी कुछ भी आ रहे हैं यस yes और नो no? ट्राइंग कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं यस और नो एटलीस्ट रिस्पॉन्स करिए बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है सो so, प्लीज जल्दी जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करिए इतना टाइम आपको नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में इतना टाइम अगर आप इस क्वेश्चन में लगाओगे तो कैसे करोगे जल्दी जल्दी से एंड uh, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल मैं आपको 45 फाइव क्वेश्चन कराने वाली हूँ मेन्स लेवल के 45 फाइव आउट ऑफ फोर्टी फाइव क्वेश्चन ठीक है पूरे 45 फाइव पजल्स अरेंजमेंट से लॉग मशीन पर मतलब जो भी एंड यहाँ तक कि लॉजिकल रीजनिंग एजम्शन ऑर्ग्यूमेंट 45 फाइव क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं रीजनिंग के इसी चैनल पे इसी क्लास में ठीक है तो क्लास में मत करिएगा आ रहा है पर फीवर फीवर आ रहा है पल्ले नहीं पड़ रहा फीवर क्वेश्चन को देख के भावेश क्वेश्चन को देख के फीवर आ रहा है नॉर्मल फीवर आ रहा है तो फीवर या क्वेश्चन को देख के फीवर आ रहा है एक्सप्लेन करूं मैं चल मैं एक्सप्लेन करती हूं ध्यान से देखो नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं कोई इश्यू नहीं है ठीक है अभी हम जल्दी से देखेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं हैव हाँ, ट्रस्ट डिजिटल ब्रांच एंड इंडेक्स ठीक है कोड लिखा है ओ टी नाइन जेड आर एट जेड पी वन एच डी सिक्स डी के थ्री सो एच से रिलेट क्या हो रहा है तो एच से रिलेट एच हो रहा है बट एच से रिलेट अगर हम एच करेंगे तो सबका फर्स्ट लेटर होना चाहिए ठीक है सबका कोई लॉजिक काम नहीं आ रहा कोई इश्यू नहीं देखो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपको लॉजिक कैसे करना है सॉल्व ठीक है ध्यान से देखिएगा अगर मैं देखूंगी एच यहाँ पे सो इसमें एच अच्छा। जरूरी नहीं है ना कि फर्स्ट कोड फर्स्ट हो कोई भी कोड हो सकता है यू कॉन्ट डिसाइड है ना आगे पढ़िए तो ये तो नहीं लेगा लॉजिक अभी एच के पास क्या होता है एच के डी होता है तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है एट और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है फोर तो अगर क्या हैव का कोड एच ए वी ई क्या हैब का कोड डी के थ्री हो सकता है क्या ये पॉसिबल है यस और नो देखो अगर मैं बात करूं डिजिटल डी आई जी आई टी एल सही लिखा है ना हाँ तो डिजिटल में एच का डी मतलब माइनस फोर हो रहा है तो डी में माइनस करेंगे तो क्या आएगा जेड आ रहा है ना समझ में इज इट क्लियर नहीं अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं कैसे करोगे टेंशन मत लो ठीक है अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी पहले ध्यान से समझिएगा अभी अगर हम देखें तो ये ग्रुप लिखा हुआ है जी की प्लेस वैल्यू होती है सेवन सेवन में माइनस फोर करोगे तो क्या आएगा थ्री थ्री इज अ सेवन थ्री नहीं ग्रुप में नहीं मिल रहा है यू मैंने पढ़ लिया था वन टू थ्री नो वन टू थ्री फोर हाँ सर्विस सर्विस की एस की पोजीशन कितनी होती है नाइनटीन नाइनटीन में माइनस फोर करेंगे तो कितना आएगा फिफ्टीन फिफ्टीन किसकी वैल्यू होती है ओके okay. मिल गया ना सर्विस का कोड ये हो रहा है ठीक है समझ में आ रहा है बट आप लोग देख रहे होगे कि ये जो कोड है हैब में हो रहा है डिजिटल में हो रहा है सर्विस में हो रहा है बट सारे लेटर्स में नहीं जा रहा है सारे लेटर्स में प्लस नहीं आ, सारे लेटर्स में फर्स्ट लेटर माइनस फोर नहीं हो रहा ठीक है बाकी लेटर्स में क्या हो रहा है हम ये क्रॉस चेक करते हैं बट हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हैब का जो कोड होगा हैब का जो कोड होगा दैट इज डी के थ्री इज इट क्लियर और आपको पता है कि ये डी कैसे आया है फर्स्ट लेटर माइनस फोर एंड के कैसे आ सकता है तो के आप किसके पास देख सकते हो ई e से के डिसाइड करो ई इज फाइव के इज इलेवन तो लास्ट लेटर में प्लस सिक्स करेंगे तो के आ जाएगा तो ये की कैसे आया लास्ट लेटर प्लस सिक्स सेम यही चीज आप सर्विस में देख लो तो सर्विस में लास्ट लेटर ई है और ई e में प्लस करेंगे तो क्या के आ रहा है कंफर्म आ रहा है इज इट क्लियर डिजिटल में लास्ट लेटर एल है और एल में आपको पता है ट्वेल्व में प्लस सिक्स करोगे एटीन और एटीन क्या होना चाहिए आर मिला लॉजिक बट ये लॉजिक कुछ पे तो फॉलो कर रहा है हर जगह फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका पैटर्न क्या होगा अभी आपको इतना समझ में आया बचा थ्री थ्री कैसे आएगा तो थ्री आपका कैसे आएगा ध्यान से देखिए थ्री ई e में माइनस टू करेंगे माइनस में, टू में करेंगे एट नहीं आएगा सर्विस में ई e में माइनस टू करेंगे थ्री आएगा टू नहीं आएगा मतलब ये लॉजिक नहीं मिल रहा ठीक है ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है वन वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है ट्वेंटी टू है ना क्लियर है समझ में आ रहा है पहले मुझे इतना बताओ सो so, इनको डिफरेंस करेंगे ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन को आपस में ऐड करेंगे 3. क्या ये लॉजिक सब में फॉलो कर रहा है ध्यान से देखो डिजिटल है आई और ए तो फाइव आई इज नाइन और वन टेन तो टेन का क्या आ गया मिल गया नेक्स्ट सर्विस फाइव और सिक्स सेवन एट मिल गया क्लियर है ना कोई डाउट कोई कंफ्यूजन जल्दी से बताइए क्लियर हुआ यस और नो यस और नो क्लियर हुआ सेकेंड लेफ्ट और सेकेंड राइट चेक कर लो सब में अभी क्या ये लॉजिक सब में लग रहा है देखो ट्रस्ट एटीन और एस yes. तो 18 और S कितना होता है 19 का डिफरेंस कितना होगा वन डिजिटल I 9 और वन एट मिला कहा गया ये मिला एट ठीक 18 में से थ्री गया तो 18 में से थ्री जाएगा 18 में से थ्री जाएगा तो आपका कितना बचेगा 15 और 15 डबल डिजिट होती है उसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स क्लियर सो so, आपको ये तो पता है नंबर का लॉजिक तो सब में सेम आ रहा है नंबर का जो लॉजिक है वो तो सब में क्या हो रहा है नंबर का लॉजिक आपका आ रहा है सब में सेम बट ये लेटर का लॉजिक सेम नहीं है हैव में तो ये लॉजिक लग रहा है बट आपको ये पता चल गया कि अगर मैं बात करूं टी आर यू एस टी ट्रस्ट का कोड क्या है तो ध्यान से देखिए ट्रस्ट का कोड क्या है ट्रस्ट का कोड क्या था जेड पी 1 होगा जेड पी वन सो आपको पता है कि टी में अगर मैं माइ प्लस करूंगी सिक्स तो टी में प्लस सिक्स कितना होगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस सिक्स मतलब ये जो जेड आ रहा है वो लास्ट फर्स्ट लेटर प्लस सिक्स और ये जो पी आ रहा है लास्ट लेटर माइनस फोर जेड इज टी इज ट्वेंटी माइनस फोर इज सिक्सटीन इज इट क्लियर और यह जो नंबर आ रहा है वह दोनों लेफ्ट और राइट सेकेंड से का डिफरेंस नेटवर्क इश्यू ड्यू टू रेन ओके okay. जल्दी से बताइए सबका क्लियर हुआ येस और नो बट एक चीज तो आपको समझ में आई है लॉजिक तो समझ में आया किसी में प्लस सिक्स हो रहा है स्टार्टिंग में किसी में एंड में प्लस सिक्स हो रहा है किसी में स्टार्टिंग में माइनस फोर हो रहा है किसी में एंड में माइनस फोर हो रहा है बट ये ऐसा क्यों हो रहा है अब मुझे खुद बताओ कि ट्रस्ट और हैव में क्या डिफरेंस है तो आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी इसमें फाइव लेटर, लेटर है इसमें फोर लेटर है बट डिजिटल में कितने लेटर थे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेटर है तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है यहां पे जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक क्या है बेटा वो लॉजिक है डिफरेंट 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 कॉन्सोनेंट समझ में आया देखो अगर आपके कॉन्सोनेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट का मतलब समझ रहे हो अगर कोई कॉन्सोनेंट दो बार आ गया तो आप सिर्फ उसको एक टाइम काउंट करोगे जैसे किसी में टी दो बार आया तो आप उस टी को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे तो अगर आपके जो कॉन्सोनेंट है वो इवन नंबर है या फिर आपके जो डिफरेंट कॉन्सोनेंट है वो ऑड नंबर है तभी लॉजिक लगेगा हैब हाँ में कॉन्सोनेंट इवन है तो ये लॉजिक लगेगा ऑड में कॉन्सोनेंट ट्रस्ट में वन टू थ्री थ्री एड करेंगे थ्री काउंट करेंगे बिकॉज टी क्या है टी आपका दो पा रहा है इज इट क्लियर लॉजिक समझ में आया सभी को जल्दी से बताइए यस 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 और और नो नो लॉजिक समझ में आ गया मैम yes, ओके okay. बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दीजिए क्या आप सभी को लॉजिक क्लियर हुआ सो so, आपसे पूछा है फिल्म रिटेल सिस्टम का कोड क्या होगा सो so, आपको पता है कि फिल्म में वन टू थ्री थ्री है मतलब स्टार्टिंग में प्लस सिक्स होगा तो एफ सिक्स और सिक्स और सिक्स कितना होगा ट्वेल्व सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर डन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था इज इट क्लियर चलिए नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन पूछा है कि ये किसका कोड हो सकता है सो so, ये किसका कोड हो सकता है तो सबसे पहले हमें सिक्स फोर नाइन चेक कर सकते हो आप ठीक है या फिर आप देख सकते हो देखो <clears throat> हाई है तो हाई में अगर प्लस सिक्स करोगे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा हाई में अगर प्लस सिक्स करेंगे तो एच एट होता है और एट में प्लस सिक्स करोगे ट्वेल्व है ना ठीक है फोर्टीन आएगा फोर्टीन तो नहीं है मतलब हाई कैंसिल <clears throat> प्राइस तो वी किस में आ सकता है देखो आर में अगर हम प्लस सिक्स करेंगे तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आएगा पी में करते हो तो पी पी क्यू आर एस टी यू वी यस सो प्राइस होगा प्राइस आ रहा है प्राइस तो दोनों में है और रिस्क भी दोनों में है तो अब भी हम देखें ए सो ए मतलब माइनस फोर यस सो प्राइज रिस्क एंट्री हो जाएगा ऑप्शन नहीं प्राइज रिस्क तो नहीं होगा प्राइज तो होगा प्राइस तो तीनों में है फर्स्ट वाला तो कैंसिल था अभी सेकेंड वाला चेक करते हैं ठीक है रेंट <coughs> है तो एक्स के अकॉर्डिंग रेंट आया है ना तो एक्स के अकॉर्डिंग अगर हम प्लस सिक्स करेंगे तो एक्स वाई एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं हो रहा है मतलब माइनस फोर करेंगे ट्वेंटी फोर माइनस फोर इज इ ट्वेंटी सो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी डन लास्ट वन ट्रस्ट वर्क लॉजिक है तो इसमें अगर हम बात करेंगे देखो आप इजिली ऐसे भी देख सकते हो हाई uh, में अगर हम बात करें सो वन टू थ्री फोर फोर है तो फोर है मतलब इवन नंबर है तो क्या करना है इवन नंबर में आपको पता है कि क्या करना था फर्स्ट में माइनस फोर करना है है ना इज इट क्लियर तो ई e में माइनस फोर करेंगे तो क्या आएगा ए आ जाएगा तो ए आ रहा है तो एंट्री प्राइज रेंट हो जाएगा नेक्स्ट ट्रस्ट है so one, two, three. Three है सो मतलब ऑड नंबर है तो टी में माइनस फोर करोगे तो पी आएगा पी मतलब सिक्सटीन से so, ऐसा कोई ऑप्शन है ध्यान से देख लीजिए थ्री इज अ ऑड नंबर ना तो प्लस सिक्स करेंगे तो टी में प्लस सिक्स करोगे 26 26 मतलब z तो z आपका ये हो सकता है z आपका ये हो सकता है दो पॉसिबिलिटी या तो b होगा या तो d होगा एंड a में z नहीं है ओके ट्रस्ट वर्क लॉजिक है ओके सो 1 2 3 3 है 3 है मतलब ऑड है तो so ऑड में आप क्या कर रहे थे तो so ऑड में आप +6 कर रहे थे ओके परफेक्ट सो w है w ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में सिक्स करिए कितना होगा तो सिक्स नहीं कर सकते ट्वेंटी थ्री है ठीक है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स वन टू थ्री दैट इज सी सी से स्टार्ट होना चाहिए तो सी से स्टार्ट ये भी है इसमें सी नहीं है सो ऑप्शन इज हो करेक्ट आंसर क्लियर डन कोई कंफ्यूजन कोई डाउट सबका क्लियर हुआ यस और नो समझ में आ गया सारे के सारे क्वेश्चन आपके मेंस लेवल है आई होप सो आप सबका क्लियर हो गया होगा चले so, सो क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे बचे हुए हैं बट कल हम लोग मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी आपके पास में ये खतरनाक वाला मशीन इनपुट का क्वेश्चन था उसका भी लॉजिक बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाला था सो so, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने कल कर डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है <clears throat> ठीक है ये वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने कल कर डिस्कस करूंगी ये मेंस लेवल का मशीन इनपुट है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं घर पे एक बार ट्राई कर सकते हैं हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है एंड अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको मैं हम लोग कल करेंगे ये वाला क्वेश्चन का तो नंबर ही नहीं आ रहा है कल से सो so, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो बतानी थी वो ये है कि रिपोर्ट एंड विन मतलब आपको अगर यूट्यूब पे एन अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर कोई भी चीज़ दिख रही है जो आपकी कॉन्टेंट से रिलेट नहीं है ठीक है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं ठीक है आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं क्लास की टाइम क्या है बेटा क्लास टाइम इज नाइन थर्टी पीएम और कल मैं यहाँ पे मेंस लेवल का पूरा मॉक लाने वाली हूँ जिसमें 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं सो तो कल वाला सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल वाला सेशन आपको मिस नहीं करना है पहला आज ये वाले क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे तो आज का सेशन रिपोर्ट कर दीजिएगा तो आपको डेफिनेटली भी मिलने के चांसेस है चलिए एंड सो ये वाला सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं आई होप सो आपको क्लास समझ में आई हो ज्यादा क्वेश्चन आज हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए कोई इशू नहीं कल फोर्टी फाइव क्वेश्चन होंगे तो जितनी देर भी क्लास चल पाए उतनी देर क्लास रहेगी कल मैं फोर्टी फाइव क्वेश्चन आपसे सामने करने वाली हूं अच्छा सत्या ठीक है चलिए सो so, ये वाला सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अकेडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे मेरे जितने भी अपकमिंग सेशंस होंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा सो so, जल्दी से जाके मुझे इन अकेडमी पे फॉलो करिए एंड प्लस में इनरोल्ड होना है तो जल्दी से हो जाइए बिकॉज प्राइज हाइक होने वाले हैं ये आप सभी को पता होगा नहीं पता है तो मैं बता दी दोबारा से सुन लीजिए ठीक है सो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में